गुरुमंत्र विद दाती महाराज यूट्यूब का यह मेरा चैनल है और यूट्यूब के सभी दर्शकों को दाती महाराज का नमो नारायण। मित्रों, बड़े प्रेम से मैंने गुरुमंत्र विद दाती महाराज आपके लिए बनाया है। यदि अभी तक आपने गुरुमंत्र विद दाती महाराज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद इसको शेयर करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन की घंटी होगी, आप वहां देखो, वहां एक घंटी बेल है, उस बेल को जरूर बजाएं जिससे आपको मेरा हर वीडियो नया मिलता रहे। 2018 में बहुत कुछ आपके सामने लेके आ रहा हूं। आप चाहते घर बैठे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जीवन की संपूर्ण समस्याओं का समाधान हो तो गुरुमंत्र विद दाती महाराज इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें जिससे कि आपको वो सब कुछ मिले जो मैं आपको देना चाहता हूं। नमो नारायण, नमो नारायण चाहते, नमो नारायण। नमो नारायण। 4 अप्रैल सन 2018 और बुधवार का दिन है। क्या आपका पैसा व्यवसाय में कहीं फंस गया है या पैसा डूबता हुआ नजर आ रहा है या फिर मेहनत के बावजूद भी दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ रही, संपूर्ण प्रयासों के बावजूद भी पारिवारिक सुख नहीं है, चल और अचल संपत्ति का लाभ नहीं मिल रहा, पैतृक संपत्ति को लेकर आप परेशान या रोगों ने आपका पीछा नहीं छोड़ा है, या फिर फ्लू हो गया है, बुखार है, इन संपूर्ण समस्याओं का समाधान लेकर मैं आ रहा हूं आज के गुरु मंत्र में। नमो नारायण, नमो नारायण। मेरे मित्रों, नमो नारायण। खूब प्यार, खूब आशीर्वाद, अभिनंदन और आभार कि आप दाती महाराज को सुनते हैं, हृदय से मुझे सुनते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपकी सेवा में हाजिर रहता हूँ, ये मेरा सौभाग्य है, अपनी खुशी के लिए आता हूँ। भारतीय सनातन संस्कृति को बांटने का जो आनंद है ना, वो अपने आप में बड़ा अलौकिक और बड़ा ही अद्भुत है। दावे नहीं, विवाद नहीं और तर्क नहीं, हृदय के भावों को शब्दों का रूप देकर आपके सामने खड़ा हूँ। संभव है गलती और हर गलती के लिए मैंने आपसे क्षमा मांगी, क्योंकि मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं, मैं हथेली में सरसों नहीं उगाता, जीवन का अनुभव आपसे बांटना था और आपको कहीं काम आ जाऊं तो ऐसा लगता है कि यही मेरी जीवन की तपस्या है, क्योंकि इस जीवन राष्ट्रोपरि है, राष्ट्रोपरि, इसी भाव को लेकर राष्ट्र सेवा में लगा था, क्योंकि राष्ट्र बड़ा नहीं कोई होता है ना, होने की संभावना है। अपने राष्ट्र से प्यार करो, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। गुरु मंत्र में आज का उपाय, दाती महाराज हम बड़ी मेहनत और परिश्रम से धन कमाए और हमारा पैसा फंस गया है, हमारा पैसा व्यवसाय में इधर उधर फंस गया और डूबता हुआ नजर आ रहा है और धन मिलने की सारी आशाएं छीन हो गई। साथ ही जिनको हमने पैसा दिया है व्यापारी हमसे नजरें चुराते हैं, क्या करें? यदि आपके साथ ऐसी अवस्था है तो ऐसी अवस्था में रविवार के दिन दोपहर 12 से 2 बजे के बीच में ये पूजा करके देखिए, अवश्य आपको लाभ होगा। सर्वप्रथम आपकी जो भी राशि हो उस राशि से संबंधित अनाज को आप अपने वजन के बराबर तोलकर गाय को देने का संकल्प लेकर रख लें। उस अनाज में से 250 ग्राम अनाज लेकर पिसवा ले, उस आटे का दीपक बना ले, दीपक में चमेली का तेल भर दे, रोई धुनने वाले साप रोई लेकर 4 बत्ती चौमो का दीपक प्रज्वलित कर ले, दीपक को किसी थाली में रख ले, उसी अनाज में 4 मुठी अनाज दीपक के चारों ओर रख दे, प्रज्वलित दीपक में 7 लौंग अपने ऊपर से 7 बार उसार कर अंदर रख दे, 5 माला ओम लंग लक्ष्मी नमः, ओम लंग लक्ष्मी नमः इस मंत्र की जाप, या फिर ओम नमो भगवती पदम पद्मावती ओम ह्रीम श्रीम पूर्वाय दक्षिणाय पश्चिमाय उत्तराय अनुप्रसर्जन अवश्य करो कुरुष्व इस मंत्र की जाप करें। जाप के उपरांत ये दीपक पीपल के पेड़ के नीचे रखा, अब आप करके देखिएगा, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण, नमो नारायण। और बात करते हैं बुधवार के पंचांग, वैशाख मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, विक्रम संवत 2075 बुधवार का प्रातकालीन नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र चंद्रमा वृश्चिक राशि में। बात उनकी करते हैं जिनका आज जन्मदिन है या फिर शादी की सालगिरह है। 4 अप्रैल आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह,
तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनि भगवान से श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 4 अप्रैल आपका जन्मदिन, और निजगत कर्मों की वजह से आपको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अचानक कार्य में उठापटक शुरू हो गई, आप करने जाते अच्छा हो जाता है बुरा, कारोबार में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो, घर कले की वजह से मन परेशान रहता हो, तो ये उपाय आपके लिए रामबाण। एक, आप अपने गले में रविवार दिन चांदी की चैन धारण कर लीजिए, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। एक चांदी का चौरस टुकड़ा हमेशा सफेद कपड़े में लपेट कर अपनी जेब में रहे, और हर शनिवार को देवादिदेव शनिदेव की मूर्ति का स्पर्श करें, सरसों का तेल का दीपक जलाए, और ओम शाम शनिश्चराय नमो इस मंत्र का जाप करें, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। अगला कदम सितारों की ओर, और इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ ग्रह नक्षत्रों की दुनिया में, क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र आपके लिए, बात करूंगा बुधवार के राशि फल की। सबसे पहले मेष राशि, अष्टम चंद्रमा है भाई, और चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में है। मेष राशि वालों को थोड़ा सा सावधानी अपेक्षित है, क्योंकि नक्षत्र गणना आपके पक्ष में करवट लेने दे रही, सितारों की चाल प्रतिकूल है, आज भूमि संबंधी सौंदों में हानि की संभावना। कोशिश करें मेष राशि वाले, विवादित भूमि संबंधी सौदों में पूंजी निवेश नहीं करें, कार्य व्यवसाय में बाधा उत्पन्न होगी, आर्थिक हानि की प्रबल संभावना है, और स्वजनों का सहयोग नहीं मिलेगा। जिस तरह के खरे योगायोग मेष राशि वालों, मानसिक बेचैनी रहेगी और स्वास्थ्य में गिरावट भी महसूस करेंगे। सुबह से लेकर शाम तक गोचर इसी तरह का छोटा सा उपाय, और ये बहुत जरूरी, अपने घर में गाय के घी का दीपक जलाए, श्रद्धानुसार या फिर 5 पाठ संकट मोचन हनुमान अष्टका करें, 800 ग्राम गुड़ अपने ऊपर से 7 बार उसारिए, किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री जो सफाई कर्मचारी है उसको दान में दे दीजिए, कष्ट कम आएगा। न मना रहे क्या करें, यदि आप नौकरी में हैं या कारोबार में हैं तो आज आपको सजग रहना बहुत जरूरी है, क्या ना करें, अधिकारी वर्ग से न उलझे, न मनन। और बात करते हैं वृषभ राशि, राशि वालों समय शुभ है, अनुकूल है, इच्छा अनुरूप कार्य संपन्न होगा, शुभ और महत्वपूर्ण कार्य संबंधी रुकावटें दूर होगी, अपनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, कारोबार में सफलता मिलेगी, धन कोष में वृद्धि होगी, सभा और सोसाइटी में जाने का मौका मिलेगा, जहां पर मान और सम्मान बढ़ेगा, मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। लेकिन वृषभ राशि वालों, चंद्रमा वृश्चिक राशि सप्तम भाव से गोचर कर रहा है, मेरा निवेदन है कि जीवन साथी के साथ, मित्रों के साथ, अपनों के साथ किसी तरह का दगा नहीं करना, वरना अनुकूलता प्रतिकूलता में बदल सकती है। न मना रहे क्या करें, नए कार्य के प्रति जिम्मेदार रहें, क्या न करें, विलासिता पर धन व्यय न करें। न मना रहे और बात करते हैं मिथुन राशि कि मिथुन राशि वालों, ग्रह गोचर अनुकूल सितारों का शुभ संकेत, ग्रह गोचर बहुत पूर्ण सफलता का संकेत दे रहे हैं, छठे भाव से चंद्रमा गोचर कर रहे, और छठे भाव का चंद्रमा ये संकेत दे रहा है कि काम बनेंगे, विघ्न और बाधाओं से मुक्ति मिलेगी, मनोगल कार्य सफलता की वजह से मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा, कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारियां पूरी होगी, कार्य संपन्न होंगे, धन कोष में वृद्धि होगी, जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, और आज जीवन साथी के साथ सुखद क्षणों में बैठने का मौका मिलेगा, किसी मांगलिक कार्य में समय प्रसन्नता के साथ व्यतीत होगा और दिन अच्छा बीत जाएगा। मिथुन राशि वालों, संपूर्ण ग्रह नक्षत्र गणना लाभ सफलता का संकेत दे रही है। हाँ, एक बात जरूर है कि आज चंद्रमा वृश्चिक राशि का है, थोड़ा सा कोर्ट कचहरी के मसलों से दूर है, क्या करें, प्रियजनों से मधुर व्यवहार करें, क्या ना करें, कार्य सिद्धि के लिए शंका ना करें। न माना रहे मैं इस वृषभ मिथुन की बात करी, कर्क सिंह कन्या की बात करूं, उससे पहले बुधवार का राहु काल और बुधवार की यात्रा। बुधवार का राहु काल दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक, और राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया, ये सलाह है मेरी, मर्जी आपकी रही। मेरे मित्रों, कभी दबाव नहीं, कभी प्रेशर नहीं, किसी तरह का दबाव दाती महाराज का स्वभाव नहीं, ऐसा ग्रह नक्षत्रों का संकेत है, आपके सामने लेके आयो, मानो न मानो आपकी मर्जी, क्योंकि मैं आपका अपना हूं और आपको डराने नहीं आता। बात करते हैं आज की यात्रा की।
उत्तर दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण से शुभ और मंगलमय रहेगी। मेरा कहना है कि समय और साधनों में बड़ा परिवर्तन हो गया। चारों दिशाओं में किसी भी दिशा में आप यात्रा कर लेंगे। आज के दिन गणपति के श्री चरणों में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करते साबुत धनिया चबाते हुए यात्रा पे जाइए। यात्रा में कष्ट कम आएगा। नमः नारायण। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि पंचम भाव से चंद्रमा और पंचम भाव का चंद्रमा ये संकेत दे रहा है कि काम बनेंगे, कारोबारी रुकावटें दूरी होगी, नौकरी संबंधी मसले हल होंगे और रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में नवीन अवसर मिलेंगे और उसमें सफलता भी मिलेगी और कार्य व्यवस्था में सुधार होगा, आय की प्राप्ति भी होगी। लेकिन गणनाएं ये भी संकेत दे रही है कि अकारण संतान की वजह से कहा सुनी हो सकती है, ध्यान रखें। और खान पान के प्रति नियंत्रण रहना बेहतर होगा आपके लिए, वरना पेट खराब हो सकता है। सुबह से लेकर शाम तक गोचर ठीक है, बस थोड़ी सी सावधानी दैनिक दिनचर्या पर जरूर बरतें। न मनाएं, क्या करें, संतान पक्ष को समझना और सुनना बहुत जरूरी, उसके बाद सहयोग करना है। क्या ना करें, रिश्तों को लेकर लापरवाही ना करें। न मना रहे। और बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों चंपौन नक्षत्र गणना ये संकेत दे रही कि आज सावधानी अपेक्षित है, क्योंकि चौथा चंद्रमा है। घर परिवार में सामंजस्य बिठाना बहुत जरूरी होगा। आज किसी तरह का आवास परिवर्तन करना नुकसान दे सकता है, जिससे कि घर योगायोग की माता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। आज के दिन भूमि भवन वाहन में पूंजी निवेश करेंगे तो नुकसान हो सकता है। डरा नहीं रहा हूं, संकेत दे रहा हूं। और यदि आप अत्यधिक आत्मविश्वास रखकर अपने ही लादा तो बनते हुए कार्य बिगड़ते हुए नजर आएंगे। धन की कमी है, किसी मित्र के कारण मानहानि भी संभावना, और संयम से काम नहीं किया तो समाज में शर्मिंदा होना पड़ सकता है। डराया नहीं, सावधान रहना, छोटा सा उपाय जरूर कर लेना। श्रद्धानुसार गुड़, श्रद्धानुसार गुड़, और जितना गुड़ लेते उतना ही जौ लीजिए, अपने ऊपर से 7 बार उसारी और गाय को खिला दीजिए, कष्ट कम आएगा। क्या करें, पारिवारिक जिम्मेदारी को निभाएं। क्या ना करें, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना करें। नमन और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों ग्रह नक्षत्र लाभ का संकेत दे रहे हैं। चंपौन ग्रह गोचर आपके पक्ष में करवट ले रहे हैं। भाग्य का सितारा आज आपके साथ है। बिगड़े हुए कार्य बनेंगे, रुक हुए धन की प्राप्ति होगी। सास और पराक्रम से हर क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे। सामाजिक मेलजोल बढ़ेगा। पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी होगी और शुभ समाचार की प्राप्ति से मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा और दिन अच्छा बीत जाएगा। न मनाएं, क्या करें, भाई बंधु और मित्रों की भी मदद करें आज। क्या ना करें, किसी के साथ धोखा करने का प्रयास न करें। न मनाएं। कर्क सिंह कन्या की बात करें, तुला वृश्चिक धनु की बात करो, उससे पहले वास्तु सलाह और आज का सुझाव। कुछ लोगों ने मुझसे कहा, दाती महाराज बाथरूम स्नान घर के लिए सबसे उत्तम रंग कौन सा होता है। यदि आप मेरे से जानना चाहते हैं कि बाथरूम और स्नान घर में रंग कौन सा उत्तम रहता है, तो सफेद या नीला रंग बाथरूम में आप करें तो आपके लिए सबसे बेहतर होगा। बहुत सुंदर है, करके देखिएगा। नमन। और बात करते हैं आज के सुझाव की। आज बुधवार का दिन है और आज के दिन नित्य क्रम निर स्नान उपरांत 12 के 12 राशि के लोग अपने इष्ट देवता को हरे रंग की पोशाक भेंट करें, मनोकामना पूरी होगी। नमूना रहे। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों ग्रह गोचर मध्यम है, लेकिन गणनाओं का संकेत है कि आज परिवार के साथ बैठने का मौका मिलेगा, पारिवारिक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। चंद्रमा दूसरे घर परिवार के घर से गोचर कर रहा है, पारिवारिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी, पैतृक संपत्ति के मसले निपटेंगे, भाइयों के बीच में आज समन्वय बना रहेगा, धीरे से कार्य किया तो धन भी मिलेगा, सामाजिक समारोह में जाने का अवसर मिलेगा जहां आप अपनी बात रख पाएंगे, मान सम्मान और अधिकारों में वृद्धि होगी। हाँ, एक बहुत जरूरी बात है, घर परिवार के बुजुर्गों की सलाह को अनदेखा न करें तो अच्छा रहेगा, वरना छोटी मोटी परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। आज आय मध्यम है, खर्चा सोच समझ कर करें। क्या करें, आय और व्यय को संतुलन बनाकर चलें। क्या ना करें, आवेश में आकर कोई निर्णय न लें। न मना रहे। और बात करते हैं वृश्चिक राशि।
कि लगन से चंद्रमा है, आत्मबल मजबूर होगा, व्यर्थ के विचारों से मुक्ति मिलेगी, मनोआवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ पुराने रोग और ऋण से भी छुटकारा मिलेगा, क्योंकि ग्रह गोचर शुभ है, अनुकूल है, स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा, ज्ञान और विज्ञान में रुचि बढ़ेगी, कारोबार के क्षेत्र में उन्नति की और धन लाभ होगा। आज माता का पक्ष बड़ा मजबूत है, माता का आशीर्वाद मिलेगा, पूर्ण सहयोग मिलेगा और उनके सहयोग से बहुत सी परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी, न मना रहे। लेकिन चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, अकारण क्रोध नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना, न मना रहे। क्या करें, आवश्यक कार्यों को पूर्ण करने के लिए समय अनुकूल है, ध्यान दें। क्या ना करें, अनजान लोगों की बातों में ना आए, न मना है। बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वालों, 12वें भाव से चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा है। आज गोचर में चंद्रमा 12वें भाव में, और ग्रह गोचर की गणनाओं की बात करूं, समय आपके पक्ष में नहीं है। आज बहुत जरूरी है मौन रहना, ये बहुत सुंदर उपाय है। आज लोगों की सुननी ज्यादा है, सुनानी कम है, क्योंकि गणनाएं आपके पक्ष में करवट नहीं रही, समय अनुकूल नहीं है, प्रतिकूलता का संकेत दे रहा है। कार्य व्यवसाय में बाधा उत्पन्न होगी, आशा के प्रतिकूल समाचार प्राप्त होने से मन थोड़ा सा दुखी रहेगा, धन की कमी महसूस करेंगे, आपके अपने भी कोई विशेष सहयोग नहीं कर पाएंगे और सारा दिन किम करते विमूड की अवस्था में रहेगा। इसलिए थोड़ा सा सावधानी, छोटा सा उपाय, पका हुआ पपीता गरीब निधन स्वाघन स्त्री को दान में दे दीजिएगा, कष्ट कम आएगा, न मना रहे। क्या करें, अपनी मेहनत पर भरोसा करें, क्या न करें, व्यर्थ के विवादों में न पड़े, न मना रहे। तुला वृश्चिक धनु की बात करें, मकर कुंभ मीन की बात करूं, उससे पहले आज का उपाय और आज के देसी नुस्खे। मेरे कुछ मित्रों ने कहा कि दाती महाराज, परिश्रम इतना करते हैं कि दिन रात नहीं देखते, लेकिन मेहनत और परिश्रम के बावजूद भी दरिद्रता हमारा पीछा नहीं छोड़ती, क्या करें। प्रतिदिन अपने घर में नित्य कर्म स्नान उपरांत शुद्ध देसी घी का दीपक जले, ओम आद्य लक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करती है, माई के श्री चरणों में गुलाब के पुष्प भेंट करें, तत्पश्चात भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग के ऊपर ओम आद्य लक्ष्मी नमः 108 बार जाप करते, मोगरे के 108 पुष्प और 108 बेलपत्र ओम श्रीम नमः इस मंत्र का जाप करते अर्पित करें, धन धान्य की प्राप्ति दरिद्रता से पीछा छूटेगा, नमन है। और बात करते हैं नुस्खा। आजकल स्वाइन फ्लू की बड़ी चर्चा है, और कहीं बुखार या फ्लू हो तो तुरंत इमीडिएटली आप अपने नजदीकी चिकित्सालय में जाकर टेस्ट कराइए और तुरंत इलाज शुरू हो। साथ में ये छोटे छोटे उपाय, नीम की साल 100 ग्राम, गिलोय 100 ग्राम, तुलसी 50 ग्राम, दालचीनी 50 ग्राम, लौंग 25, इन सबको कूट लें, फिर एक व्यक्ति के लिए एक समय में एक टेबल स्पून 5 ग्राम 400 मिलीग्राम पानी में पकाकर 100 मिलीलीटर पानी रह जाता है, छान कर पिला दें, 2-3 दिन इस काढ़े को पिला के देखिएगा, फ्लू में लाभ मिलेगा, लेकिन डॉक्टर को दिखाना ना भूले भाई, नमन है। बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों, समय शुभ है, अनुकूल है, सितारे आपके पक्ष में करवट ले रहे हैं, सितारों की अनुकूलता की वजह से समस्याओं का समाधान मिलेगा, व्यवसायिक अनुबंध लाभप्रद साबित होंगे, रहन सहन और खान पान का स्तर ऊंचा होगा, रुपये धन की प्राप्ति होगी, भाई मित्रों का सहयोग बड़ा अच्छा रहेगा, चित्त में प्रसन्नता अनुभव करेंगे, दिन अच्छा बीतेगा, क्या करें। कार्य क्षेत्र में अनुकूल बदलाव के लिए आज का दिन बड़ा शुभ है, क्या ना करें, कार्य सफलता के लिए किसी के साथ धोखा ना करें, नमन है। बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि समय अनुकूल है, सितारे लाभ का संकेत दे रहे हैं, आज नवीन योजनाओं पर विचार विमर्श होगा और आप सफल भी होंगे और इसका आगे जाकर परिणाम आपको बड़ा अच्छा मिलेगा, शत्रु प्राप्त होगा, आर्थिक प्रयोजन की समय पर सिद्धि होगी और आर्थिक लाभ बढ़ेगा, व्यवसायिक बाधाओं का निवारण होगा, धन लाभ का मार्ग प्रशस्त होगा और पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा, सुख के साधन बढ़ेंगे, दिन अच्छा बीतेगा, न मना रहे। क्या करें, महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए थोड़ा सा परिवार का साथ ले लीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा, क्या ना करें, शत्रु को कमजोर ना समझे, न मना है। बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों, गणनाएं ये संकेत दे रही है कि धन मिलेगा, धर्म में रुचि बढ़ेगी, संत सानिध्य मिलेगा, सामाजिक सरोकार बढ़ेगा, जिस तरह की खरे युग आयोग है, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे और शिक्षा में सफलता मिलेगी, पारिवारिक जिम्मेदारियां ठीक रहेगी और यात्रा करना भी संभव है, बस थोड़ा सा संयम से काम करेंगे, दिन अच्छा बीत जाएगा, नमन आ रहे। क्या करें,
कोई भी कार्य पारिवारिक रजामंदी से करें, क्या ना करें, साझेदारी के कार्य में मनमुटाव ना करें, ना मनाए। ये था 12 के 12 राशियों का राशि पर जो ग्रह नक्षत्रों पर आधारित था। पुनः मेरा निवेदन, ला देने का मेरा स्वभाव नहीं, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आपका ही रहेगा, ना मनाए। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद विघ्न और बाधाओं से कैसे मुक्ति मिले, पारिवारिक समन्वय कैसे हो, चल और अचल संपत्ति का लाभ कैसे मिले, पूजा और मंत्र बताओ, जीवन मंत्र और दर्शनों के लिए दाती धाम ले जाने। इस समय छोटा सा ब्रेक, ये गया और वो आया, आप कहीं मत जाना। नमोना रे, नमोना रे, नमोना रे, नमोना रे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुछ लोगों ने कहा कि दाती महाराज संपूर्ण प्रयासों के बावजूद भी पारिवारिक सुख नहीं, चल और अचल संपत्ति का लाभ नहीं, और पैतृक संपत्ति को लेकर हमेशा परेशानी रहती और रोग पीछा नहीं छोड़ रहे, क्या करें? अरे भाई, भगवान गणपति को मनाइए और संपूर्ण कष्ट और परेशानी से मुक्ति पाई। आज बुधवार का दिन, रात के दिन नित्य कर्म जो स्नान उपरांत अपने पूजा स्थान में अंगुष्ठ प्रमाण मिट्टी की गणेश प्रतिमा शुद्ध पात्र में स्थापित करिए, जल गंगा जल पंचामृत से पवित्र करिए, पुनः सुजल से स्नान कराइए, हरे रंग के वस्त्र पहनाइए, हरे रंग के कच्चे धागे में 108 इलायची की माला बनाकर 108 बार ओम विघ्नहर्ताय नमो इस मंत्र का जाप करते हुए गणपति के गले में अर्पित कर दें। तस्पर गुड़ से बनी रेवड़ी का नैवेद्य अर्पित करें। पूजन के उपरांत ये घड़ी, ये गुड़ गरीब और निधन व्यक्तियों में बांट दें। पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी, अचल और चल संपत्ति का लाभ मिलेगा, पैतृक संपत्ति की परेशानी से मुक्ति मिलेगी, रोगों से छुटकारा मिलेगा। अद्भुत है जो कभी खाली नहीं गया। नमन और बात करते हैं जीवन मंत्र की। अच्छा स्वभाव, अच्छा स्वभाव की खूबी है कि वो सदा के लिए सभी का प्रिय बना देता है। कितना भी किसी से दूर हो पर अच्छे स्वभाव के कारण हमेशा किसी न किसी पलों में यादों में याद रहता है। इसलिए स्वभाव भी इंसान की अपनी कमाई हुई सबसे बड़ी दौलत है और स्वभाव में शुचिता बहुत जरूरी है। नमनन, अब समय है प्रभु के दर्शनों और दर्शनों के लिए चलते हैं। दाती धाम नमन। जय शनि देवा, हरि ओम तत् सत्, 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 जय शनि देवा, आप सभी ने प्रभु दर्शन किया, प्रभु आपका कल्याण करे, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। शनि भगवान की स्त्री चरणों में मेरी प्रार्थना। गुरु मंत्र में आज इतना ही, कल पुनः गुरु मंत्र में जन्मदिन की शुभकामनाएं। जन्मदिन का उपाय गुरुवार का राशि पर भगवान श्री हरि विष्णु को कष्ट मनाए, पूजा और मंत्र जीवन मंत्र सुझाव देसी नुस्खे उपाय और वास्तु सलाह लेंगे। आज अपनी गलती, अपने गुनाह और अपनी भूल की माफी मांगते हुए अपनी वाणी में विश्राम दे रहा हूं। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।
We'll be right back.